वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि स्पेशली वर्क करता है पिगमेंटेशन पे, अनइवन स्किन टोन पे। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट मैंने अपने पैसों से परचेज किया और इसका शेयर करूंगी आज नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू एंड डेमो। गाइस, ये है हमारा डॉक्टर शेड्स का केसर एंड कोजिक एसिड के साथ डेली पिगमेंटेशन करेक्शन क्रीम। केसर एक्सट्रैक्ट है 2%, इसमें कोजिक एसिड है 1%, इसमें नायसिनमाइड है 0.5%, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। गाइज, ये डेली यूज क्रीम है जो कि पिगमेंटेशन को कम करती है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ऑल स्किन टाइप के लिए ये फॉर्मूला है। गाइज, ये जो प्रोडक्ट है गाइज, ये वर्क कैसे करता है, ये जो है ये केसर के साथ आता है जो कि रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को स्किन में और फेड करता है हाइपर पिगमेंटेशन को और स्किन टोन को ब्राइटन करने में मदद करता है। कोजिक एसिड डाला गया है, कंट्रोल करता है मेलेनिन को। इसमें कोजिक एसिड गाइस डाला गया है जो कि मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करता है। मेलेनिन जो होता है वो स्किन को काला करता है, डार्क करता है, ये उसकी प्रोडक्शन को कम करने में मदद करता है। ये इफेक्टिवली स्किन टोन को ब्राइटन करता है, एक्ने मार्क्स को कम करता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और मेलेज्मा को कम करने में मदद करता है। ये नायसिनमाइड के साथ आता है जो मिनिमाइज करता है इनलार्ज पोर्स को, इम्प्रूव करता है अनइवन स्किन टोन को और डिक्रीज करता है इन्फ्लेमेशन को। ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि एक्सफोलिएट करेगा स्किन, डिजॉल्विंग डेड स्किन सेल्स हैं उसको रिमूव करेगा, प्रमोट करेगा सेल रिजनरेशन को और स्किन को क्लेरिफाई करने में मदद करेगा। सो गाइज, ये नॉट प्रेगनेंसी सेफ, मतलब प्रेगनेंसी पे इसको नहीं यूज़ करना है। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये स्किन को करेक्ट करने में मदद करता है, मतलब स्किन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने में मदद करता है। ये तब यूज़ किया जाए जब स्किन में पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, अनइवन स्किन टोन है, तब ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाए। बात करें पैकेजिंग के बारे में तो ये आता है कार्डबोर्ड बॉक्स में। बॉक्स में प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल है और अंदर जो आपको देखने को मिलता है गाइज, इस तरीके का बॉटल मिलता है, पंप बॉटल है। एंड कंसिस्टेंसी जो है गाइज, आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी है, ये क्रीम बेस है, बहुत लाइट सीरम नहीं है, ये क्रीम बेस है। स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और स्किन में देती है एक ग्लोई इफेक्ट। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसकी फिनिश जो है मैट है, ये थोड़ा सा एक सेमी मैट टाइप की क्रीम है, बिल्कुल मैट साइड नहीं है, स्किन को हाइड्रेट कर देती है। और मैं कहूंगी कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आप इसको नाइट टाइम यूज़ करो, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड है और इस तरीके के कोजिक एसिड है, तो ये सब नाइट में ठीक रहते हैं, तब धूप नहीं पड़ती स्किन में। तो आप इसको सिर्फ एक लेयर यूज़ करो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लेयरिंग मत करो कि ये भी लगा लिया, सिरम भी लगा लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये सब करना अच्छी बात नहीं होती, उससे स्किन टोन डार्क होने लगता है। आप सिर्फ फेस को वॉश करो और इस क्रीम को लगा लो और सो जाओ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं भी इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ, उसका एक पंप लेती हूँ और फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ और इस तरीके से इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसका गाइस 30 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ ये आता है 499 रुपीज़ का। इसको आप ले सकते हो नायका अमेज़ॉन से और जब लेना तो सेल में ही परचेज करना। और गाइस, एक चीज़, ये पैराबेन फ्री है, पैथलेट्स फ्री है, एसलेस फ्री है जो कि प्रोडक्ट कहता है। और इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है मैं पूरी आपको स्क्रीन में दे दूंगी, जब इंग्रेडिएंट लिस्ट से सेटिस्फाइड होना तभी कोई प्रोडक्ट यूज़ करना। इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले पैश टेस्ट ज़रूर कर लो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे खासे एक्टिव्स के साथ आती है, तो हो सकता है कि आप पे ना सूट करे या मुझ पे सूट कर रही है, किसी पे ना करे, तो इसलिए पैश टेस्ट करके ही आप अपने फेस पे अप्लाई करें। गाइस, इस क्रीम को मैंने यूज़ किया 15 डेज से। ये क्रीम जो है बहुत स्लोली वर्क करती है क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल नहीं है और जो ग्लाइकोलिक एसिड की मात्रा है, कोजिक एसिड की मात्रा, वो भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो इसको टाइम लगता है काम करने में। मुझे ऐसा फील हुआ कि काफ़ी हाइड्रेटिंग क्रीम है, दाग धब्बों को धीरे धीरे वैनिश करती है, पिगमेंटेशन को धीरे धीरे कम करती है। तो ये उनके लिए नहीं है जो बहुत जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं, ये उतना हार्श केमिकल के साथ नहीं आती कि एकदम से रिजल्ट आपको तुरंत दे दे, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ये अगर आपको सूट करती है तो आपको उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको आपका फेस इवन नज़र आएगा। ये फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ऑयली स्किन के लिए थोड़ा ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, तो आप इनके क्रीम से सिरम की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन है। ये मैं ड्राई स्किन ब्यूटीज को ही रिकमेंड करूंगी, अगर आप एक्टिव्स के साथ जाना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक रखिए आप अपना अपने परिवार का ख्याल। टेक केयर।